सर। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद इलियास बुखारी। मोहम्मद कैप मार्ट, जैसा कि आप जानते हैं, हाजियों के लिए खुसूसी पैकेज चल रहा है मोहम्मद कैप मार्ट के अंदर, और इसके अंदर एक ख़ास अहराम हम मंगवाते हैं। सॉफ्ट होता है वो और नरम होता है, और वहाँ के मौसम के मुनासिबत से हम अहराम के बनवाते हैं ताकि लोगों को एलर्जिक ना हो और अपना हज खशु खुशू से अदा कर सके। इंशाल्लाह आप जब मोहम्मद कैप मार्ट में आएंगे, हज के दौरान जो भी ज़रूरियात की चीज़ें होती हैं, उस जैसे लेडीज़ अहराम हो गया, बेल्ट हो गया, आपके कंकर की थैली, स्लीपर बैग और लेदर के मोज़े, और आपके मीना में जब जाते हैं आप, हसीर रहती है, एक रात ख़याम रहता है वहाँ पर, उसके बाद फिर आपको जमेरात जाते वक्त कंकर जमा करते हैं, तो उसके अंदर कंकर की थैली में डाल के ले जाते हैं कंकर मारने के लिए शैतान को। ये सारी चीज़ें एक ही छत के नीचे हैं। आप यहाँ पर आने के बाद आप मुतमईन हो जाएंगे। ख़ासकर ट्राली का जो बैग आता है, सफारी बैग का एक कंपनी है जिसके आउटलेट मक्का, मदीना, US और आपके लंदन, ऑस्ट्रेलिया, ये सब जगह हैं। मोहम्मद कैप मार्ट में अगर ये बैग ख़रीदते हैं आप, उसका जो गारंटी कार्ड है वो अगर साथ रखते हैं मक्के मदीने में, अगर आपको अगर कुछ उसके अंदर आपको कुछ किसी किस्म का भी कुछ तकलीफ़ होती है तो वहाँ पर एक्सचेंज हो सकता है। जैसा हज के महीना आने वाला है, उसमें अहराम में कुछ आप लोगों के पास डिस्काउंट वगैरह या कोई क्वालिटी की क्या है? सारे हाजियों को डिस्काउंट है, ऐसा कुछ ये नहीं है कि भाई डिस्काउंट एक को दे रहे हैं एक को नहीं दे रहे हैं। तकरीबन सारे चीज़ें डिस्काउंट में ही हैं। और एक सात दाने की तस्बीह आती है जो हर हाजी के लिए फ्री है, तौफ़ करते वक्त इस्तेमाल करते हैं वो, 1, 2, 3, 4, 7 तौफ़ होते हैं वो, चाहे मोहम्मद कैप मार्ट में सामान लें या मत लें, हर हाजी के लिए फ्री है वो। ये ख़ासकर मदीना आउट सर्कल पे आ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। एक ब्रांच आपकी बाजार घाट में भी है, आप अगर पुराने शहर में या मदीना सर्कल पर आते हैं तो आपको सारी चीज़ों का जो भी वो है यहाँ पर आसानी से। बच्चे बड़ों के सबके आपके पास अवेलेबल है? खाली अहराम के अंदर छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक है। अब छोटे बच्चों के अंदर 4 साल से लेके 12-15 साल तक है। 12-15 साल के बाद के बच्चे तो बड़े पहनते हैं, बड़े अहराम ले लेते हैं, और वैसे भी आजकल मौसम के हिसाब से वहाँ पर गर्मी ज़्यादा है, जैसा हैदराबाद में गर्मी ज़्यादा है उसी तरह मक्के और मदीने में भी गर्मी है। तो लाइट वेट अहराम आए हुए हैं आज, जो वज़न में हल्के होते हैं, जो बांधने में बांधने में भी बहुत सहूलत है उसको। इंशाल्लाह आप जब लेके जाएंगे तो आपको इसके खूबी मालूम हो जाएंगी। हमारी दुकान तो 113 साल से है, मगर हाजियों की खिदमत करते हुए 25 साल हो गए। ये चौथा जनरेशन चल रहा है माशाल्लाह मोहम्मद कैप मार्ट का। आप जब भी हैदराबाद तशरीफ़ लाएँ मोहम्मद कैप मार्ट, जैसा कि करीम नगर, महबूब नगर, आपके इधर महाराष्ट्र के, कर्नाटक के जितने भी लोग आज़मीन हज हैं वो खसूस कर इधर हैदराबाद तशरीफ़ लाते हैं। पुराना ताल्लुक़ है निज़ाम का, और तकरीबन कई लोग हैदराबाद से ही बुकिंग करा के हैदराबाद से ही जाते हैं। टोटल हैदराबाद में कितने ब्रांचेस हैं? टोटल हैदराबाद में सिर्फ 2 ही ब्रांच है, जो जहाँ पर अहराम मिलता है, जहाँ पर सिटी के लिए मदीना बाजार घाट है। जी हाँ, एग्जैक्ट थोड़ा मदीना सर्कल पे तो आप बैठे हुए हैं, मोहम्मद कैप मार्ट ये खदीम दुकान है, ये कॉर्नर पे है सर्कल पे, और बाजार घाट के ऊपर आपको जैसा नामपल्ली स्टेशन से आप सीधा चलेंगे तो इंशाल्लाह वहाँ पर एक 500 कदम जाने के बाद एक भारत पेट्रोलियम पेट्रोल पंप बोल के है, उसके अपोजिट में मोहम्मद कैप मार्ट की बड़ी दुकान है, वहाँ पर भी ये सारी चीज़ें अवेलेबल है, वहाँ पर भी देख सकते हैं इंशाल्लाह।